करोगे। चलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। हां, कोई बात नहीं, फिर ट्राई वंस मोर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गोरखपुर की गलियों से। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं लेट हो चुका हूँ। मैं बता दूँ, आज रेस्ट पे था, मेरी दुकान ओपन नहीं हुई थी आज, तो मैं सोया था। काफ़ी शाम को उठा हूँ और मैं डेली अपनी दुकान ओपन करता हूँ गाइस, तो एक दिन तो आराम बनता है। और गाइस, मैं अभी चौराहे पे हूँ, जस्ट शाम हो चुका है। अभी थोड़े बहुत दो तीन रील्स बने हैं और मेरे हरिओम भाई और छोटा भाई शिव कुमार तो डेली मेरे पास ही रहता है, और भाई भी ब्लॉग बनाने के लिए सोच रहा है। तो मैं गाइस, मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में जो मैं मतलब कोशिश करें हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए, मतलब बुलवाने के लिए। तो गाइस, मैं इन लोगों से फर्स्ट ब्लॉग बुलवाता हूँ कि मतलब कैसे बनाया जाए। तो हरिओम भाई, मतलब कि ये होगा कि मतलब बोलना है, जैसे मान लो तुमको फर्स्ट ब्लॉग चालू करना है तो ऐसे बोलना, कैसे करोगे? चलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। हां, कोई बात नहीं, फिर ट्राई वंस मोर। होता है गाइस, क्योंकि मैं अभी पहली बार जब कर रहा था तो मेरे हाथ कांपते थे, मेरे गले कांपते थे, मेरी जीभ कांपती थी, तो बहुत कुछ कांपते थे गाइस, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो फिर से ट्राई, मैं दूसरी बार सुई कुमार भाई करेगा। तो चलो ठीक है, 1 2 स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल हरिओम गुप्ता ब्लॉग्स। और कोई बात नहीं, फिर से मिस्टेक है भाई, से दो बार मिस्टेक हो चुका है, देखते हैं कितनी बार मिस्टेक होता है गाइस। 1 2 3 हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल हरिओम गुप्ता ब्लॉग्स। और आज चलते हैं हम लोग गोरखपुर की गलियों से। कोई बात नहीं गाइस, ये चौथी बार तीसरी बार हाँ, एक बार हम देखते तीसरी बार नहीं भाई, जब तक फाइनल कर लेता है गाइस तब तक मैं शिव कुमार भाई की तरफ नहीं करूंगा। तो फिर से करते हैं वंस मोर। कोई बात नहीं, जज्बा रखो। 1 2 3 हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल हरिओम गुप्ता ब्लॉग्स। और करा के हमको ही तो काही मार देना है। तो गाइस, जैसा कि मैं बता दूं हरिओम भाई, मैं क्या बोलता हूं, मैं जैसे बोलता हूं कि मतलब मैं सुबह से जब ब्लॉग स्टार्ट करता हूं शिव कुमार भाई, तो मेरा ये पर्पस रहता कि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गोरखपुर की गली से। तो कैसे आप लोग? गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे, मतलब ये मैं मेरा डेली का है, तो वैसे आप भी कुछ बोल सकते हो मतलब। तो चलो एक मिनट, वंस मोर, 1 2 3 हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग हरिओम गुप्ता ब्लॉग। कोई बात नहीं गाइस, इसको मैं छोड़ दो, तब तक रिपीट करो, तुम याद करो और देखते हैं। मेरा छोटा भाई शिव कुमार डेली मेरे पास ही रहता है, तो शिव कुमार प्लीज मैं तुमसे बताऊँ, फर्स्ट ब्लॉग तुमको स्टार्ट करना ही करना है, क्योंकि अभी नहीं गाइस, ये होते तेजी, कभी तेजी नहीं, जल्दीबाज, जो जल्दीबाज शैतानों का काम होता है जल्दीबाज। हाँ, तो चलते हैं शिव कुमार भाई, 1 2 स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं फर्स्ट ब्लॉग बनाऊं। मुझे भी ब्लॉग बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत लोगों का ब्लॉग देखता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि ब्लॉग बनाऊं, और आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है शिव जी के पी नाम से, तो मैं चाहता हूँ आप लोग उसे सब्सक्राइब करें। और मैं अभी तो स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा डर भी लगता है बोलने में, कैमरा को फोकस करने में, मतलब बोलने में, लेकिन यही रहेगा कि देखिए हमें सपोर्ट करिए आप लोग, हम भी आप लोग को कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी जगह दिखाएं, अच्छा अच्छा जगह ले जाएं। तो ये मेरा प्यारा राजधानी गांव है, यहीं से मैं पढ़ा हूँ, 12 तक पढ़ा हूँ, और मैं देखिए पैसा जुटा के फ़ोन लिया हूँ, इसी से मैं ब्लॉग। और गाइस, मैं बता दूँ, छोटा भाई काफ़ी अच्छी बोल रहे हो, और गाइस ये भी स्टार्ट करने वाला है ब्लॉग, और भाई ने 3500 रुपये का मोबाइल खरीदा है, उसमें सहयोग है दोस्तों का भी गाइस, तो इसको प्लीज़ सपोर्ट करें। और ये फर्स्ट सहयोग आपका है और हरिओम भाई का, हरिओम भाई का भी है। हरिओम भाई कैसा बैठा है आप देख सकते हैं, भाई सोच रहा है, याद कर लिए 1500 हरिओम भाई दिया है, 2500। हम कहना ये चाहते हैं कि इन लोग का देख कर बोलना, हम भी सीख जाएंगे जल्दी। नहीं, सब बोल लेता है गाइस, ये बोल लेता है हरिओम भाई, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं बोल पा रहे। कोई बात नहीं, स्टार्ट करो, कॉल आ रहा था तो तुम बात कर लो जाके। और गाइस प्लीज शिव भाई को भी सपोर्ट करें, ये कब करें आप लोग, कब डालोगे फर्स्ट ब्लॉग, फाइनली बताना, क्योंकि मैं ये ब्लॉग अपलोड करूंगा, क्योंकि जो सब्सक्राइबर रहेंगे डाल दूंगा फर्स्ट ब्लॉग। हाँ, माय फर्स्ट ब्लॉग लिख के डालूं सुबह बना के। हाँ, सुबह मतलब इस टाइम बना रहे हैं, कल सुबह डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। और अभी मैं स्टार्ट किया हूँ ब्लॉग बनाना, तो अभी तो आप लोग उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मेरा तो कोशिश रहेगा कि इससे अच्छा अच्छा जगह ले जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे, और आप लोग भी पसंद करेंगे कि और मुझे भी साथ में ले जाओगे। अरे यार, तो फेमस है आपका, बात ही अलग है। नहीं गाइस, हम लोग फेमस नहीं है, मतलब इतने ही सब्सक्राइबर है 500, तो समझो हम लोग फेमस हैं, आपका प्यार मिला है और बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना शॉर्ट में ही ब्लॉग बना लिया, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि गैप हो मेरे चैनल पे, डेली ब्लॉग पड़े। और वो भाई देख रहे हैं, व्यस्त है हरिओम भाई। और गाइस, मैं बता दूँ, मेरी दुकान जो है वो क्लोज है,
आज मैं रेस्ट पे था, आराम कर रहा था, और इस समय हम लोग हैं गाइस विद्युत विभाग में, आप देख सकते हैं विद्युत विभाग हमारे राजधानी गांव में, यहीं से लाइट जाती है हमारे राजधानी गांव में नहीं, हमारा राजधानी गांव जो है 66 टोला है, ये पूरे 66 टोले में यहीं से लाइन जाती है यहीं से। और गाइस मैं बता दूं, जो सबसे बड़ा गांव है राजधानी गांव, वो है हमारा गांव जहां पे हम लोग रहते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। राजधानी राजधानी गाइस गांव का नाम ही जो राजधानी, तो यहाँ पे लोग राज ही करते हैं। बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक बंदा पूछा बिहार का था कि भाई कहाँ जाना है हमें पूछा, हम बोले भाई राजधानी जाना है, तो बोला भाई मैं भी था। हाँ। गाइस हम लोग जब दिल्ली गए थे घूमने एक हफ्तों के लिए, तो हम लोग जब वापसी कर रहे थे ट्रेन से, तो उसने पूछा था, हाँ पूछा था, तो मैंने बोला भाई राजधानी जाना है, तो कहता अरे यार वापस जाओगे, मैंने बोला नहीं गोरखपुर में एक राजधानी गांव है वहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, कहता हमें बिहार जाए बनू, बिहार जाए बनू। और गाइस मुझसे बहुत गलती हो गई थी, वो तीन चार लोग थे और हम लोग भाई दो ही थे, मुझे नहीं पता था वो अपनी बहन को लेकर आ रहे थे, और मुझे लगा कि उनकी बीबी हैं, तो वो जो किन्नर होती है मांगने वाली पैसा, तो वो मांग रही थी, तो मैं बोला कि भैया भाभी से मांग ले लिए, तो वो गुस्सा होगा, अरे यार ये मेरी बहन है, तो मैंने बोला सॉरी भाई मुझे नहीं पता। अरे भाई ने समझाओ वो मेरी बहन है, आप ऐसे बोल दोगे, तो मैंने इन्हें बोला अरे भैया ऐसे मत बोला करो, तो नहीं मतलब जोड़ी देखने से यही लग रहा था कि वो पति पत्नी है, लेकिन वो भाई बहन थे, मुझे लगा गाइस वो पति पत्नी है, तो मैं बोल दिया मैं क्षमा भी मांगा उनसे, तो जैसे ही मतलब वो गोरखपुर का नाम सुनते तो गाइस थोड़ी बहुत वो छपरा जिले के थे, तो मैं चाहता हूँ अगर मेरा मतलब भैया का ब्लॉग कोई छपरा जिला का देखता है तो उसे मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ कर दीजिएगा और भैया को सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाएंगे आप लोग को दिखाने के लिए, मेहनत बहुत करते हैं गाइस। अगर आप लोगों का भरपूर प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो हम लोग यहाँ छोटे से गाँव से निकल के बड़े बड़े शहरों में जाएंगे और आपको घुमाएंगे गाइस। ये मेरा शॉर्ट ब्लॉग है, शॉर्ट ब्लॉग नहीं, मुझे लग रहा है ये फुल ब्लॉग होगा, क्योंकि मैं काफी शाम को उठाऊँ गाइस, रेस्ट कर रहा था, थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैंने अपनी दुकान ओपन नहीं की थी आज। और वो देखिए भाई, मैंने भाई को बोला याद करने के, लेकिन वो बिजी है, पता नहीं कहाँ पे बात कर रहा है, फ्रेंड से पता नहीं कहीं बात कर रहा हो पर्सनल, तो भाई का कल आएगा, भाई का कल फर्स्ट ब्लॉक आएगा। हाँ। और तारीख कितना है, आज है 28 फरवरी को भाई का फर्स्ट ब्लॉक आएगा, और अभी भाई शूट करेगा फर्स्ट ब्लॉक अपना, तो गाइस वेट करते हैं भाई हरिओम, भाई का भी फाइनल नहीं हुआ है, आज वो बोल के दिखाएगा, क्योंकि बोल रहा था कि भैया आप ब्लॉग शूट करिए तो हम लोगों को फर्स्ट ब्लॉग बुलवाइए, देखते हैं हम लोग बोल पाते नहीं, और अपलोड भी करिएगा, तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो गाइस वो रिपीट कर रहा, आप देख सकते किस तरीके से रिपीट कर रहा है, कोई बात नहीं गाइस, वो बात कर ले तो फिर मैं उससे बुलवाता हूँ, क्योंकि गाइस अगर मैं बता दूँ कि भाई जो है रिपीट करके आया है, और मैं बता दूँ जितने भी मेरे दोस्त हैं वो यही सोच रहे हैं कि ब्लॉग स्टार्ट करना, तो अच्छी बात है, किस्मत किस्मत की बात है, किसी का भी वायरल हो जाए तो काम बन जाएगा। तो गाइस भाई जो है रिपीट किया है, और मैं बोलना चाहूँगा हरिओम भाई, 1 2 3 स्टार्ट। हेलो गाइस वेलकम, हाँ कोई बात, थोड़ी सी तेज आवाज में, हाँ मैं बताएंगे हरिओम भाई आपको कि हेलो गाइस वेलकम बैक माय फर्स्ट ब्लॉग है ये, मतलब फर्स्ट ब्लॉग करके बोलूँ, तुम्हारा जो तरीका है मतलब इसका जो तरीका है, इसका तरीका ये है कि मैं पहले से ब्लॉग बनाते आ रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेलो गाइस वेलकम बैक माय न्यू वीडियो, क्योंकि तुम पहले से ब्लॉग बनाते आ नहीं रहो, सही है ना, सही है, मैं फर्स्ट के बारे में ब्लॉग बनाना है, देखता हूँ ब्लॉग में मुझे इंटरेस्ट है, तो लोगों को देख देख कर जो मेरे मुँह पे आ रहा है, जिसे लोग इंट्रो देते हैं। एक बात याद होगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम आए थे एक बार, इतना शानदार बोला था हरिओम भाई, हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, मोटो ब्लॉग ऐसा कुछ बोला था, लेकिन इस समय बोलो, तो चलो वन बोलने की बात नहीं भैया, जैसे हम लोग कोई बात नहीं गाइस, जल्दी से हम नहीं कर पाते हैं, कैमरा फेल नहीं है, ये आसान बात नहीं है, ये कैमरा नहीं है, ये मोबाइल है मेरा, और मैं बता दूं ये जो मोबाइल है वन प्लस नोट है, इसकी कैमरा जो है गाइस बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसी से ब्लॉग करता हूँ। और गाइस मैं बता दूं, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई यार आप कैमरे से करते हो, तो मैं बता दूं मैं कैमरे से नहीं करता हूं, ये मेरा मोबाइल है वन प्लस नोट, मैंने लिया था 30,000 रुपये की दोस्तों के सहयोग से, यही करने के लिए ब्लॉग शूट करने के लिए और रील्स बनाने के लिए, तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दें, तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय 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 बाय।